Assalamualaikum, hello everyone, how are you all? की हाल चाल है? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल कैरियस होंगे। वेलकम टू माई चैनल हैप्पी लाइफ ब्लॉग चैनल। सो जी, ये ना अभी मैंने एक ब्लॉग रिकॉर्ड किया, मैंने कहा साथ ही दूसरा कर लूँ, बाद में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो उससे अच्छा है कि आप अभी ब्लॉग जो है ना रिकॉर्ड कर लो। ठीक है जी, आज का ब्लॉग बड़ा स्पेशल होने लगा है, बड़े स्पेशल जो है ना वो पर्सन के लिए है जी। ठीक है जी, आप सभी का जो है ना क्या उसको कहते हैं फेवरेट टेक्सचर है, और उसके ऊपर जो है ना मैंने अपना और उनका नेम लिखा है, तो आप लोग जो है ना गैस करिएगा ये मैंने किसका नेम लिखा है। ठीक है, आप लोगों को मैं लास्ट पे जो है ना वो बताऊंगी कि ये मैंने किसका नेम लिखा है। तो सो करते हैं, वो टेक्सचर को देखते हैं और उसकी क्रम्बलिंग करते हैं, साथ आप लोगों से गपशप करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है कि ये किसका नाम है, और बल्कि मैं नहीं आपको बताऊंगी, आप लोग खुद ही बताइएगा। ठीक है जी, तो मैं भी तो देखूं आपकी मेंटालिटी। ठीक है, तो मैंने नेम लिखा हुआ है, अब मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो भी शेयर करती हूँ, उसको जो है ना आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी सबने कमेंट करके बताना है कि ये नाम किसका है और मैंने क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना मैं उसको दिखाऊंगी। ठीक है, तो क्योंकि अगर मैंने लास्ट पे बता दिया ना तो वो फिर सारा सस्पेंस ख़राब हो जाएगा, तो इससे है कि अच्छा है कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने नेक्स्ट व्लॉग लास्ट में देखना है, पार्ट टू इसका, ये पार्ट वन होगा। ठीक है जी, तो पहले तो मैं आपको फिर से छत जो है ना वो दिखा दूँ, छत क्या दिखानी है, टेक्सचर दिखाती हूँ। ये हमारा प्योर मडर्ट है, ठीक है, ये काफ़ी हद तक जो है ना सेट हो गया, लेकिन ये अभी भी जो है ना बैठी है, ये देखें। ठीक है, तो इसको भी मैंने टप में रखा है, मैंने कहा चलो ये निकल आएगा। बाकी ये जो हमारा मेरा जो है ना डर्ट वाला, ये सेट हो गया है ग्रीटी डर्ट वाला, और ये जो है ना रेड मड डर्ट, ये भी रेड मड डर्ट है और ये भी रेड मड डर्ट है, लेकिन वो ड्राई क्रम्बलिंग के लिए और ये वाटर क्रम्बलिंग के लिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। और उसके बाद एक मेरे सब्सक्राइबर है, वो कह रही थी स्टार शेप की क्रम्बलिंग करें, तो मैं आपके लिए स्टार शेप की क्रम्बलिंग कर देती हूँ। अब ये टूट जाएगा, कर लो स्टार शेप की क्रम्बलिंग, करा लो मुझसे स्टार शेप की क्रम्बलिंग। ये देखें, ये सारा का सारा जो है ना फिर से अजीब सा ही हो गया। मैंने इसको खोल के मतलब के बड़ा अच्छा क्रश करके फिर इसका पेस्ट बना के डाला था उसमें, लेकिन ये अजीब ही हो गया फिर से। अब इसको जो है ना किसी वाइट टेक्सचर में डाल देंगे, और थोड़ा सा इस टेक्सचर में डाल देती हूँ, वाइट स्टोन्स नज़र आएंगे। सही हो गया, सो करते हैं, ये देखें। अच्छा, इसको जो है ना नेगेटिव माइंड में नहीं लेना आप लोगों ने, सही है। तो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी ये मैंने किसका लिखा है और क्यों लिखा था। ये देखें, प्रोनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टेक्सचर की करते हैं क्रम्बलिंग, और ये स्पेशली जो है ना मैंने डेडिकेट किया है अपनी, मैं अभी नहीं बताऊंगी बल्कि नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि ये किसका नाम है, और ये जो है ना अच्छा लगा है आप लोगों को, नहीं लगा। ठीक है, इसकी हम क्रम्बलिंग करते हैं, ज़्यादा बातें करूँगी तो मेरे मुँह से निकल ही जाएगा। नाम तो मिट्टी छुप गया है। अब मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं जब भी किसी का थैंक्स करूँगी ना तो इस तरह से करूँगी, एंड थैंक यू सो मच। जल्दी से ही टूट गया सारा तो बेचारा, और नेम भी ख़त्म हो गया, जगह कम थी नहीं तो पूरा नाम लिखती मैं।
मज़ा आ रहा है मुझे तो। अच्छा कोई पूछ रहा था कि इस चैनल को मैंने जब देखा और मैं हैरान हुई कि ये भी काम है कुछ करने को और इस पे इतने चैनल्स बने हैं तो इसका क्या फ़ायदा है। इसका ये फ़ायदा है कि आप लोग जब स्ट्रेस में होते हो ना, जब आप परेशान होते हो, जब आप चिड़चिड़े हो जाते हो, जब आप बीमार हो जाते हो या आपको नींद नहीं आती, तो जो नींद से परेशान है कि उनको नींद नहीं आती, तो ये वीडियोज़ जो देखते हैं ना तो उनको बड़ी जल्दी अच्छी नींद आती है। ये मेरा जो है ना पर्सनली जो है ना आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस है कि ऐसे होता है। इवन कि मैं एडिटिंग करते वक्त भी सो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, मैं सो जाती हूँ। और जो स्ट्रेस जिसको बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो इस टेक्सचर्स को क्रम्बल करके देखेगा ना एक या दो दफ़ा, या उसको बड़ा अच्छा फील होगा। ठीक है, तो इसको बस क्रम्बल करना होता है और कुछ भी नहीं है इसका लॉजिक कि भाई ये है तो वो है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स हाथों में हो तो वो साउंड अच्छा लगता है, फिर उसका टेक्सचर अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे ये बहुत फ्लफी सा है, देखने में बड़ा मज़े का लगता है, मुलायम सा के दिल करता है खा जाएं, जैसे हम मुल्तानी मिट्टी को देख के करते हैं। तो इसी तरह से है कि बस ये जो है ना आपके माइंड को जो है ना वो फ्रेश कर देता है, रिलैक्स कर देता है। अब आप लोग कहेंगे ऐदे नाल की माइंड जो है माइंड फ्रेश होता है, बस वो होता है, लोगों को इंजॉयमेंट मिलती है। जैसे हम लोग किसी एक होता है ना हर चीज़, हर बंदे को एक किसी ना किसी चीज़ की जो है वो नीड होती है, या उसको शौक होता है, या उसको क्रेविंग होती है। तो इसी तरह जो है ना ऐसे मैं अपनी बताऊँ ना, तो ये मैं इसके साथ इंजॉय करती हूँ खेल के। ठीक है, ये देखें, सारा नाम जो है ना वो मैंने क्रम्बल कर दिया। अब आप लोगों ने सबने कमेंट करके बताना है कि मैंने किसका नेम लिखा था और कैसा लिखा था, और आप लोगों ने कमेंट करके लास्ट में बताना है। ठीक है, फिर मैं चेक करूँ ना आप लोग क्या कहते हैं, आपका क्या मशवरा है, आपकी क्या राय है मुझे लेके। तो ये जो है ना एक बताऊँगी, ये बड़ी ख़ास पर्सनैलिटी है। ठीक है, सारे हिंट नहीं ना दी जाती मैं, और बड़ी अच्छी बड़ी बोलूँ कुछ भी नहीं बोलती, बस आप लोगों ने बताना है कि कौन है। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि ये कौन था या कौन थी। सही है, मज़ा आया मुझे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। वो बस ये है कि हवा चलेगी तो ये उड़ जाएगा, पर इसको मुझे किसी चीज़ में डालना पड़ेगा। अच्छा चले, मैं इसको बाद में डाल दूँगी। सो और उसके अलावा हम थोड़ी सी रेडेड की क्रम्बलिंग करते हैं, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में रेडेड की क्रम्बलिंग नहीं की, तो इस व्लॉग में कर लेते हैं। जैसे हम अंडा नहीं तोड़ते, थोड़ा सा पहले उसको ठोकर दे के, ऐसे इस अंडे को भी तोड़ना पड़ता है। अभी जो मैंने नेम लिखा है इस पे बड़े कमेंट्स आने वाले हैं, आई नो कि ये क्या है, किसका नाम है, कौन है ये वो। मैं नेक्स्ट व्लॉग अभी बना लेती हूँ ताकि फ़ौरन से जो है ना कमेंट कर दूँ। मैंने किसी का भी इस, अगर आप लोग पूछेंगे ना ये कौन है ये वो ना, तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग कोई कमेंट या कोई आंसर जो है ना वो नहीं करूँगी, कोई रिप्लाई नहीं करूँगी। ठीक है, आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग देखने को मिल जाएगा तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा ये कौन है। सही है, तो अभी के लिए करते हैं व्लॉग को यहीं पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाबा टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।